गुड मॉर्निंग बच्चों, जय महाकाल। वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन क्या होती है? कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर में कठोर हो, रिजिड हो, मतलब जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे है वैसे के वैसे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अगर मैंने बोला कि इस रास्ते से नहीं जाना, उससे जाना है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट है तो उसी से जाना पड़ेगा जो मैंने बोला है, क्योंकि उसमें चेंज आप नहीं कर सकते। कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर मैं समझा सकता हूँ कि मैं इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से भी वहीं पहुँचूंगा, तो वो भी चलेगा। समझ रहे हो? जैसे ये दो रास्ते जाते हैं, मैंने बोला कि इस रास्ते से जाओ, तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आपको इसी रास्ते से जाना होगा क्योंकि बोला गया है। कन्वेंशन में क्या है, अगर आप समझा सको मुझे तो ऐसे भी बता सकते हो ये भी रास्ता वहीं पर जाकर मिलता है, तो वो मैं मान सकता हूँ इन केस ऑफ कन्वेंशन। तो समझ जाना कि एक रिजिड है नेचर में, कि मतलब जैसा लिखा गया वैसे ही एक्सेप्ट करना है, वैसे ही आपको वो अप्लाई करना है। दूसरा कन्वेंशन है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो प्रिंसिपल आता है बिजनेस में, जब आप बिजनेस करते हो तो उस केस में बिजनेस में आप क्या करते हो, सबसे पहले कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब आपको कुछ सिद्धांत फॉलो करने पड़ते हैं। सिद्धांत के बेस पे आप बिजनेस कर सकते हो अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप बिजनेस करते हो बिना सोचे समझे तो इन फ्यूचर आपका बंद भी हो सकता है। तो जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है बिजनेस को करने के लिए, उसी को इन्होंने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोला? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम भी है, वो है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या एज्यूम किया जाता है बेटा, इसमें अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग है। समझ रहे हो बात? कि अगर ये बिजनेस है, यहाँ बिजनेसमैन है, तो ये प्रिंसिपल एक दीवार पैदा कर देता है किसके बीच में, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में। इसका मतलब ये कि बिजनेसमैन अपनी मनमानी नहीं चला सकता, बिजनेस भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता, बट ये दो पर्सन है। इसका मतलब ये, अगर बिजनेस ने जैसे स्टार्टिंग में वो पैसा लगाता है, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है बिजनेस क्या करता है, उसको एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करता है, और कैपिटल होता है लाइबिलिटी, कि किसी को देना है तो किसको देना है, वापस देना है। ठीक है बेटा, ये बिजनेसमैन है ना, ये बिजनेस हो गए थे दोनों। तो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में क्या है, हमारी थिन लाइन होती है एक, कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिजनेस को सेंटर में रखा जाता है कि बिजनेस के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या लॉस है, क्या गेन है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बिजनेस के लिए क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं देखा जाता। इसलिए फिर बिजनेस क्यों किया जाता है बेटा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं मेरी नहीं चलेगी तो मैं बिजनेस क्यों करूँ? क्योंकि बिजनेस आप करते हो अपने मतलब जो आपका एक गोल होता है, हमेशा बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए। अल्टीमेट गोल तो बेटा प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट उसके साथ एक और होता है आपका एम, अगर वो अचीव होता है प्रॉफिट भी तभी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस, आपका गोल अचीव होगा, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आप नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपका बिजनेस नहीं चलेगा अच्छे से, और बंद भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे समझो कि मेरी एक शॉप है, ठीक है, आटे का काम करता हूँ बेटा, आटा सप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास सप्लाई आई 100 बोरू आटे के आए सप्लाई है मेरे पास, ठीक है, और मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरा 1 वीक में
बोरू आटे के लग जाते हैं। तो मतलब फर्स्ट वीक में 2 ले गया, सेकंड वीक में 2 और ले गया मैं, थर्ड वीक में 2 और ले गया, फोर्थ वीक में 2 और ले गया। इसका मतलब 6 बोरू आटे के मैंने एक महीने के अंदर अपने बिजनेस से लेकर अपनी फैमिली के लिए ले गया, ये सोचकर कि ये बिजनेस मेरा है, आटा भी मेरा ही है तो मैं ले जा सकता हूँ, बिजनेस तो मेरा ही है। इससे क्या होगा बेटा, आपको जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कभी नहीं होगी। तो आप अपनी मर्जी से ऐसे करके, तो बेटा 1 महीने में 6 चले गए, 2 महीने में 6 और चले जाएंगे, तीसरे महीने में 6 और चले जाएंगे, आपका तो नुकसान ऐसा होगा जो कभी भर नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो। तो बिजनेस जो है वो भले ही मैंने ओपन किया है, बट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मी। अगर मैं उससे कुछ लेता हूँ, मेरा फर्ज बनता है उसको वापस दो, अगर वो मुझसे कुछ लेता है उसका फर्ज बनता है मुझे वापस लौटाए। जैसे हम स्टार्टिंग में कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस का फर्ज है कि मुझे पैसा कमा कर दे, समझ रहे हो बात की नहीं। तो अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा और लॉन्ग टर्म रन करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी वहाँ पे, और हमें प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन का हक होता है वो होता है प्रॉफिट पे। जो ड्यूरिंग द ईयर वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले आता है, अगर उसके बदले कुछ भी नहीं देता बिजनेस को, तो इसका मतलब वो बिजनेस का नुकसान कर रहा है, अल्टीमेटली वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो बिजनेस का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब बिजनेस करोगे तो आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं अलग हूँ बिजनेस अलग है। ऐसे 2 पर्सन की तरह चलाओ कि मतलब मैंने इसको दिया पैसा तो ये वापस देगा, अगर मैं उससे लूंगा तो मैं वापस दे दूंगा, ऐसे करके चलाओ। जब लास्ट में प्रॉफिट होगा वो आप ले जाओ घर, उससे तो बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला जो था वो था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर एंड ऑल द ट्रांजेक्शन डन इन द बिजनेस। जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि बिजनेस के लिए क्या नुकसान है, क्या फायदा है, बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या लॉस है, क्या गेन है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये था आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए